hello students, good evening. welcome to all of you in this second class of english. and we are taking up part b and c of the question papers of ras mains. so i hope you all are doing well in this cold season. you're studying hard, working hard to achieve your goals and targets. so let me see how many students have joined the class till now. Please mark yourself in the comments below so that I can check how many have joined us. Okay, I can see people joining. Yes, welcome to the class. So, today we will be taking up, as you can see on screen, we will be taking up the topic from part B. Pressy writing. Now we know that this is an important topic for the simple reason that it carries a weightage of 10 marks. Now for 10 marks what we have to do is हमें alert रहना है कि इस इस criterion को और इस passage को हमें कैसे effectively attempt करना है ताकि हमारा score जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बने। टेन में से हम 8 या नाइन कैसे स्कोर कर सकते हैं इस चीज़ को हम आज रिव्यू करेंगे नाउ लेट्स स्टार्ट विद वॉट एक्चुअली अ प्रेसी इज और इसमें क्या जज किया जाता है वॉट इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ योर परफॉर्मेंस आपकी परफॉर्मेंस से एग्जामिनर क्या चाह रहा है कि वो क्या आपका मेजरमेंट लेके मार्क्स देगा वो सब पॉइंट्स हम आज इसमें देखेंगे so let's start with what is presse writing now presse is actually it comes from french which means to cut short and i hope it is uh, nicely visible to you all and you can read the whole thing presse is a french word which means to cut short and it is actually in simple language i will be simpler than we all expect it is in simple language the gist the crux of the whole passage now you will have a passage of around 200 to 250 words or maybe 150 words see it is flexible you may have 150 words you may have 180 words you have you may have 200 words so you need to have the crux the gist

सबसे पहला स्किल हमारा यूज़ होता है रीडिंग स्किल वाई नाउ हियर वी विल सी जब तक हम रीडिंग स्किल को सीख कर एक्सपर्टीज नहीं ले लेते हैं हम किसी पैसेज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं अब किसी भी पैसेज का कंसाइज फॉर्म बनाना कंसाइज किसको कहते शॉर्ट करना उसको और प्रेसी में क्या होता है हम जो भी गिवन पैसेज होता है उसको वन थर्ड कर देते हैं तो वन थर्ड को करने के लिए हमें पहले उसकी रीडेबिलिटी चाहिए रीडिंग स्किल चाहिए वी शुड बी सो गुड एट रीडिंग दैट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड वॉट इज इम्पोर्टेंट इन द पैसेज वॉट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इन द पैसेज विच शुड बी लेफ्ट आउट See now the main point is what is what is the methodology to go around with a pressy writing. A pressy keena botasane ji, uska, pek te hai please attempt one third of a passage. It is as simple as said as that. But what do we actually do with the pressy? क्या इम्पोर्टेंट स्टेप्स होते हैं जिसको हमें 150 वर्ड्स को 50 में करना है 180 एटी वर्ड्स हैं तो 60 में करना है ज़्यादा है तो उसके प्रोपोर्शन में हमें उसको वन थर्ड करना है अब प्रेसी में हम क्या कंसिडर करते हैं सबसे पहला जो प्री रिक्वेज रिक्वायरमेंट है इसका वो ये है दैट यू शुड बी एबल टू क्लियरली अंडरस्टैंड द पैसेज मोस्ट ऑफ इट इज़ रिटन इन सिंपल इंग्लिश एंड इट होल्ड सम कॉमन थीम्स या कुछ ऐसे बात बताई जाती है जो नॉर्मली आपने सोसाइटी में या अपनी किसी प्रीवियस स्टडी में पढ़ा होता है सो नॉर्मली द्रेस राइटिंग पैसेजेज आर कंसर्न विद कॉमन टॉपिक्स बट अगेन वॉट इज इम्पॉर्टेंट इज रीडिंग स्किल आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है सेकेंडली जब आप प्रेसे करते हैं तो प्रेसे का मतलब क्या है देखिए दो चीज़ें होती हैं एक होती है समराइजिंग इनफैक्ट थ्री थिंग्स आई एम गोन टू टॉक अबाउट एक होती है चल रहा है क्या माइक एक आवाज़ कमार एक होती है समराइजिंग समराइजिंग एक होती है पैराफ्रेजिंग तो ये दो चीज़ें अलग हैं और प्रेसी अलग है समराइज में आप क्या करते हैं कि आप किसी भी बड़ी चीज़ को थोड़ा सा छोटा और सिंपल कर लेते हैं ठीक है जैसा आपका मन करता है आप वैसा कर लेते हैं कि ठीक है ये बात मुझे बहुत अच्छी नहीं लग रही छोड़ देते हैं ये समझ नहीं आ रही छोड़ देते हैं समरी बना लेते हैं अब ज़रूरी नहीं है वो वन थर्ड हो ठीक है तो अब पैराफ्रेजिंग में आप क्या करते हैं आप कोई पोइट्री पढ़ते हैं आप कोई ऐसे पढ़ते हैं उसका पैराफ्रेज करते हैं पैराफ्रेज का मतलब होता है किसी भी टेक्निकल सी एडवांस सी लैंग्वेज को सिम्प्लीफाई करके लिख देते हैं बट प्रेसी वो नहीं है प्रेसी क्या है प्रेसी राइटिंग इज कॉन्डेंसेशन ऑफ अ राइटिंग देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बहुत ही आपका फेमिलियर एग्जाम्पल देती हूँ जैसे आप कुछ वीडियोस बनाते हैं आजकल सभी वीडियोस बना रहे हैं फेसबुक के लिए या अपनी किसी प्रेजेंटेशन के लिए आप कहते हैं वीडियो बहुत बड़ा बन गया बड़ा इन द सेंस बहुत ज़्यादा एम का हो गया जी का हो गया स्टोरेज में नहीं आ रहा फ़ोन में नहीं आ रहा तो आप उस वीडियो को क्या करेंगे क्या आप उस वीडियो को आगे से पीछे से कट कर देंगे क्या आप उस वीडियो में से कंटेंट हटा देंगे नहीं आप उसको क्या करेंगे उसको कंप्रेस करेंगे सो कंप्रेसिंग द वीडियो से क्या होता है कि आपको बात भी पूरी मिल जाती है व्यू भी पूरा मिल जाता है और उसका साइज भी छोटा हो जाता है तो दिस इज एग्जैक्टली वॉट वी डू इन अ प्रेसी इट इज़ कंप्रेसिंग द मेन पैसेज कॉन्डेंसेशन ऑफ द मेन पैसेज कि आप पूरे पैसेज का जिस्ट भी रखते हैं मेन पॉइंट्स भी लेते हैं और उसमें कुछ छोड़ते भी नहीं है लेकिन उसको छोटा भी कर देते हैं अब उसके स्टेप्स क्या हैं? देखिए नंबर वन वी हैव टू अंडरस्टैंड द पैसेज आई होप इट इज विजिबल एंड इट इज क्लियर अदरवाइज यू कैन जस्ट लिसन टू मी एंड अंडरस्टैंड यू नीड टू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज वाई बिकॉज अनटिल एंड अनलेस यू नो वॉट इज इम्पॉर्टेंट इन द पैसेज यू विल नॉट नो वॉट टू राइट एंड वॉट नॉट टू राइट कौन से पॉइंट्स छोड़ने हैं कौन से एड करने हैं तभी पता लगेगा जब आपको ये पता होगा कि पैसेज कह क्या राय दूसरा इम्पॉर्टेंट स्टेप है मेन पॉइंट्स को सिलेक्ट करना अब मेन पॉइंट्स क्या होते हैं इसका मेथड ये होता है जब आप पैसेज की फर्स्ट रीडिंग लेते हैं मैं अभी बताऊंगी जिस्ट किसको कहते हैं जिस्ट क्या होता है और जिस्ट को कैसे निकालते हैं लेट मी एक्सप्लेन द स्टेप्स देन वी विल कम टू एन एग्जाम्पल एज टू हाउ टू गो अबाउट इट तो नंबर वन स्टेप में हम रीडिंग लेते हैं रीडिंग के साथ साथ मान लीजिए हमारा कोई फेमिलियर टॉपिक है जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक जो है वो पल्यूशन पे है तो हमें पता है पल्यूशन क्या होता है तो हम क्या करते हैं रीडिंग के टाइम पे मेन पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं दैट दिस इज़ वॉट आई थिंक इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन दिस पैसेज इट हेल्प्स अलॉट देन वेन वी मार्क द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स उसके बाद हम यूँ कर सकते हैं कि हम एक मार्जिन में एक रफ पॉइंट का ड्राफ्ट बना सकते हैं और उसके बाद प्रेसी लिख सकते हैं ना कि डायरेक्ट हम उसको पैसेज से कॉपी करते हुए लिख सकते हैं नॉर्मली वी आर रिक्वायर्ड टू गिव अ टाइटल टू द प्रेसी हमें जब तक लिखा नहीं हो क्वेस् में कि टाइटल नहीं देना तो आप मान के चलिए कि आपको प्रेसी का टाइटल भी देना है और टाइटल भी सुटेबल देना होता है जो इफेक्टिव हो उसके मार्क्स होते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं हमें प्रेसी में क्या अवॉइड करना है अब प्रेसी राइटिंग में हमने ये देखा कि हमें क्या करना है करना ये है कि रीडिंग लेनी है बहुत अच्छे से लेनी है मेन पॉइंट्स जो हमें समझ आ रहे हैं उनको अंडरलाइन कर लेना है मार्क कर लेना है या साइड पे लिख लेना है उसके बाद उसका रफ़ ड्राफ्ट बना लेना है कि ये मेन मेन पॉइंट्स हैं ये मेरे मिस नहीं होने चाहिए और उसके बाद प्रेस से लिखनी चाहिए अब हमें अवॉइड क्या करना है अवॉइड हमें ये करना है कि रेपिटिशन नहीं करनी है फॉर एक्ज़ाम्पल मान लीजिए पोल्यूशन के ऊपर पैसेज है तो ये बात वहाँ बार बार कही जाएगी पोल्यूशन इज हार्मफुल फॉर हेल्थ पोल्यूशन इज डेट्रीमेंटल टू हेल्थ पोल्यूशन इज नॉट गुड फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स पोल्यूशन इज़ नॉट गुड फॉर द ह्यूमन बींग्स पोल्यूशन इज डिस्ट्रॉइंग द अर्थ तो ये सब रेपिटिशन्स है रेपिटेशन समझते वेन यू आर सेंग द सेम थिंग अगैन एंड अगैन इन डिफरेंट वर्ड्स So we are not to do this. This is not expected in a pressy. So avoid repetition in pressy writing. Then we have examples and illustrations. Illustration means any point. Hai. Maan lejiye, pollution. pe going on They may say to illustrate in Delhi, this is the level of pollution. So we do not have to give illustrations or examples. वेन वी आर अटैम्प्टिंग द प्रेसी जो कि हम वन थर्ड लिखेंगे उसमें एग्जाम्पल्स नहीं आएंगे उसके बाद आ जाता है ईडियम्स फ्रेजेज एंड कोटेशंस अब मान लीजिए कोई ऐसा पैसेज आता है जिसमें बहुत सारी कोटेशंस है भाई किसी प्रेसिडेंट ने तो ऐसा कहा या रबिंद्राथ टैगोर ने एजुकेशन के बारे में ऐसा कहा एजुकेशन पर Pressi likni aapko, Tagore said this, Mahatma Gandhi said this. No, we do not have to write quotations, phrases, proverbs, idioms in our pressi. We have to avoid these because these are not the theme lines, these are just the supporting examples that support the main thematic concern of the passage. सो अवॉइड एग्जाम्पल्स अवॉइड इलास्ट्रिशंस अवॉइड रेपिटिशन अवॉइड ईडियम्स एंड फ्रेजिज देन वी शुड नाट गिव आर जजमेंट्स अब देखिए बड़ी सिंपल सी और बड़ी स्वाभाविक सी बात है मान लीजिए एजुकेशन पर कोई ऐसे आ जाता है मान लीजिए पॉलिटिक्स पर आ जाता है तो ऐसा हमारा मन करता है कि हम अपनी कोई जजमेंट दें कि ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए मान लीजिए पॉलिटिक्स पे आ जाता है रिलीजन और पॉलिटिक्स को मिलाना नहीं चाहिए ठीक है रिलीजन और पॉलिटिक्स को मिलाना नहीं है तो रिलिजन हम अपनी जजमेंट देने लग जाते हैं कि हाँ रिलीजन और पॉलिटिक्स कभी मिक्स मिक्स नहीं होने चाहिए देखिए लुकिंग एट योर कॉमेंट्स मैं आपको बता देती हूँ कि जो कुछ लिखा है मैं उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो अगर आप मेरी बात सुन लेंगे तो आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ठीक है आप समझ लीजिए दिस इज नॉट समथिंग दैट यू नीड टू लर्न दिस इज़ नॉट समथिंग दैट यू नीड टू मेमोराइज दिस पॉइंट्स विल बी गिवन टू यू यू कैन रीड दम लेटर ऑल्सो सो यू जस्ट थिंक दैट यू आर लिसनिंग टू मी ठीक है आप सिर्फ ये मान के चलिए कि आप मुझे सुन रहे हैं तो हमें अवॉइड क्या करना है ये बात मैं बता रही थी रेपिटेशन अवॉइड करेंगे एग्जाम्पल अवॉइड करेंगे ईडियम्स एंड फ्रेजेज़ अवॉइड करेंगे कोटेशन्स अवॉइड करेंगे आपकी कोई भी जजमेंट नहीं होनी चाहिए कि हाँ मुझे भी लगता है पल्यूशन बहुत ज़्यादा है नहीं होना चाहिए मुझे भी लगता है कि रिलिजन और पॉलिटिक्स को मिक्स नहीं करना चाहिए नो दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड दैन अगेन योर पर्सनल कॉमेंट्स एंड ओपिनियंस आपकी अपनी कोई थिंकिंग है आइडियाज़ हैं यू नीड नाट एंटर दोज आइडियाज़ इन द प्रेसी अवॉइड दैन लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस देखिए जब आप कैंडिडेट्स होते हैं और कोई भी एग्जाम देने जाते हैं और उसमें इंग्लिश में आपको कुछ भी अटैम्प्ट करना होता है नॉट जस्ट फॉर प्रेसी राइटिंग

लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को अवॉइड करें चेंजिंग द व्यू पॉइंट अब मान लीजिए किसी ऑथर का आपको पैसेज दिया गया मान लीजिए स्वामी विवेकानंद ने कुछ कहा और उस व्यू पॉइंट को वहाँ दिया गया अब आप उससे अग्री नहीं करते हैं तो आपने व्यू पॉइंट चेंज नहीं करना आपका अपना व्यू पॉइंट उसमें नहीं आएगा आप ये नहीं बताएंगे मैं अग्री कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ वॉट यू हैव टू डू इज जस्ट रीड द पैसेज और उसका जिस्ट क्रक्स निकाल के देना है अब यहाँ एक क्वेश्चन आया हुआ है कि मैम जिस्ट क्या होता है क्रक्स क्या होता है आई एल एक्सप्लेन दैट टू यू देखिए वेन एवर यू गेट अ पैसेज वॉट एवर द साइज़ ऑफ द पैसेज डजेंट मैटर यू हैव टू गिव अ क्लोज रीडिंग टू दैट पैसेज नाउ वॉट इज़ अ क्लोज रीडिंग क्लोज रीडिंग मीन्स यू हैव टू बी वेरी थॉरो विद द रीडिंग तो इसके लिए हमें रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी चाहिए सो एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू गिव यू टू टिप्स We started with the listening tips yesterday in the first introductory lecture. Today I am going to give you two tips towards the end of this lecture कि जब हम close reading करते हैं तो वो किस तरह की होनी चाहिए। अब close reading का मतलब है कि बहुत focus से आपको passage पढ़ना है। You need to understand the entire theme, क्या वो writer कहना चाह रहा है। आप चाहे उससे अग्री करते हैं या नहीं करते हैं लेकिन मेन पॉइंट्स क्या हैं उसमें ठीक है उसके बाद एक्सट्रैक्टिंग एंड एक्सपंजिंग अब ये दो वर्ड्स आपके लिए न्यू हो सकते हैं आप इनको अपनी वो कैब में भी ऐड कर सकते हैं एक्सट्रैक्ट एक्सपंज अब एक्सपंजिंग का क्या मतलब है आपके सामने पैसेज है मान लीजिए 200 वर्ड्स का पैसेज है सो व्हेन यू रीड द पैसेज You will mark the important points which you think are important and you will leave the points which you will not be adding in the press. So, expunging means you will cut out what you don't need, you will subtract, you will miss out, you will cross out, you will delete. जैसे हम मान लीजिए वीडियो जो बनाता है उसको पता है कि हाँ मेरे को जब एडिटिंग करनी है तो ये पार्ट मेरे को डिलीट करना उसमें से दिस इज़ नॉट साउंडिंग वेरी गुड और दिस 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 सेंटेंस नीड्स टू बी डिलीटेड सिमिलरली प्रेसे में क्या होता है कि अभी हम एक एग्जाम्पल भी करेंगे आपको कुछ पार्ट डिलीट करते जाना है साथ साथ कि हाँ ये मुझे नहीं लिखना ये मुझे नहीं लिखना उसके बाद आता है आपका राइटिंग राइटिंग में आपको बेटर ये होता है कि अपने मार्जिन में आप एक रफ़ ड्राफ्ट बना लें उससे आपको आइडिया हो जाता है कि क्या मैं वर्ड लिमिट में प्रेसी लिख पा रहा हूँ या पा रही हूँ और दूसरा एम आई एबल टू कवर ऑल द पॉइंट्स और नॉट और फिर आप उसको राइट करके और फिर उसको रिव्यू या रिवाइज़ करते हैं See, now for example, this is a passage. This is a passage. You don't have to be very tense about a passage. You don't visible. Still, you can just listen to me what this passage is about. Right? Now, this passage, you will come to know with the very first line what it is talking about. The test of a great book.

पर इतने में हमें ये नॉलेज हो गई है कि ये पैसेज किस बारे में है किस बारे में है आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में लिखिए व्हाट इज द पैसेज अबाउट व्हाट डू यू थिंक इज द थीम ऑफ द पैसेज यस इट स्टार्ट्स विथ द टेस्ट ऑफ अ ग्रेट बुक येस रीडिंग ओके आई डोंट थिंक रीडिंग वर्ड आया है इसमें जो मेन वर्ड आ रहा है वो बुक आ रहा है बुक बुक रीडिंग येस अ गुड बुक यस सी यूर गेटिंग इट आप सिर्फ मुझे सुन के ही बताइए आप मानिए कि टेक्स्ट है ही नहीं आपके सामने आप मुझे सुनिए ठीक है और फिर बताइए I am reading it once again. The test of a great book is whether we want to read it only once or more than once. Any really great book we want to read the second time, even more than we wanted to read it for the first time, and every additional time that we read it, we find new meanings and new beauties in it. A book. दैट अ पर्सन ऑफ़ एजुकेशन एंड गुड टेस्ट डिज नॉट केयर टू रीड मोर देन वंस इज प्रोबली नॉट वर्थ मच अब देखो फिर वही बात आ रही है बुक के बारे में अ बुक जो दोबारा पढ़ने का मन नहीं करे इसका मतलब वो अच्छी बुक नहीं है तो बुक 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 थीम पता लग गया हमें बुक अ गुड बुक गुड बुक के बारे में हाँ इम्पोर्टेंस ऑफ बुक इम्पोर्टेंस ऑफ बुक रीडिंग गुड बुक ठीक है But we cannot consider the judgment of a single individual infallible. The opinion that makes a book great must be the opinion of many, for even the greatest critics are apt to have certain dullnesses, certain inappreciations. Carlyle, for example, could not endure Browning, Byron could not endure some of the greatest of English poets.

शुरू में बुक आ रहा है वर्ड बार बार टेस्ट ऑफ अ बुक बाद में वर्ड आ रहा है बार बार जजमेंट जजमेंट उसके बाद वर्ड आ रहा है क्रिटिक्स अब क्रिटिक्स कौन होते हैं जो बुक्स को या वर्क को क्रिटिसाइज करते हैं उसके बाद आपने देखा बहुत सारे नेम्स आए फॉर एग्ज़ाम्पल कार्लाइल ब्राउनिंग बायरन तो ये सब क्या है ये सब एग्जाम्पल्स हैं तो अब हमें दो बातें क्लियर हो जानी चाहिए कि फर्स्ट लाइन से ही हमें ये पता लग जाता है कि ये बात करता है टेस्ट ऑफ अ ग्रेट बुक कि एक ग्रेट बुक का क्या मापदंड क्या टेस्ट होता है एक ग्रेट बुक क्या होती है ठीक है पहली लाइन से ही हमें एक बात क्लियर हो रही है नॉर्मली आपको थीम जो है वो फर्स्ट टू लाइंस में ही नज़र आ जाएगा सो ऑलवेज बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर रीडिंग द फर्स्ट टू लाइंस और जो लेटर पैराग्राफ होगा उसमें एग्जांपल्स होंगे इलास्ट्रेशनस होंगे प्रोवर्ब्स होंगी कहावतें होंगी उस चीज़ को डेटा के थ्रू सपोर्ट किया हुआ होगा तो आपका काम जो है फर्स्ट हाफ में ही काफ़ी हद तक हो जाएगा अब मैं आपको इस पैराग्राफ को एक्सप्लेन कर देती हूँ वो कहता है द टेस्ट ऑफ अ ग्रेट बुक वेदर वी वॉन्ट टू रीड इट वंस और मोर देन वंस तो ये टेस्ट है किसी भी बुक का कि वो बुक कितनी अच्छी है उसका टेस्ट ये होता है कि क्या उस बुक को हम एक बार पढ़ना चाहते हैं या एक बार से ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो ये पहली लाइन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइन है इस पैसेज की दैट मीन्स

अब उस लाइन को तो वो रिपीट कर रहा है कि एक बुक को हम एक बार पढ़ते हैं फिर दूसरी बार पढ़ते हैं एडिशनल बार भी पढ़ते हैं अब वो रेपिटेशन हमें नहीं चाहिए लेकिन उसके बाद वो क्या कह रहा है वो कह रहा है जब हम दोबारा दोबारा उस बुक को पढ़ते हैं उसमें हमें न्यू मीनिंग्स न्यू ब्यूटीज़ मिलती हैं तो ये एक लाइन हमारे काम की है कि जो टेस्ट ऑफ़ अ ग्रेट बुक है वो नंबर वन ये है कि हम उसको एक से ज़्यादा बार पढ़ना चाहते हैं नंबर टू ये है कि उसमें नए मीनिंग्स नई ब्यूटीज निकलती हैं यहाँ तक क्लियर है अ बुक दैट अ पर्सन ऑफ एजुकेशन एंड गुड टेस्ट डज नॉट केयर टू रीड मोर देन वंस इज प्रोबेबली नॉट वर्थ मच अब एक पर्सन जो अच्छी एजुकेशन और अच्छा टेस्ट रखता है अगर वो बुक को दोबारा नहीं पढ़ना चाहता तो बुक वर्थ नहीं है अब ये बात भी रेपिटेशन है कि जो दोबारा बुक पढ़ी जाए वो ही ज़्यादा अच्छी है तो ये बात भी रेपिटेशन में आ गई हमें नहीं चाहिए आगे चलिए बट वी नॉट कंसिडर द जजमेंट ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल इनफेलेबल अब देखो आपको एक दो टिपिकल वर्ड्स मिलेंगे वो कहता है एक सिंगल इंडिविजुअल की जजमेंट को आप सही नहीं मान सकते मान लीजिए मिस्टर एक्स ने कहा ये बुक अच्छी है मैंने तो तीन बार पढ़ी है लेकिन मिस्टर वाई कहते हैं बिल्कुल अच्छी नहीं है मैंने तो एक बार मुश्किल से पढ़ी है तो अब आप किसकी जजमेंट मानेंगे तो वो इसलिए कहता है कि एक क्रिटिक की जजमेंट को हम नहीं मान सकते तो ये एक लाइन को हम एक इम्पॉर्टेंट मान सकते हैं कि जो टेस्ट ऑफ द ग्रेट बुक है उसको मापना उसको तोलना इतना आसान नहीं है एक सिंगल क्रिटिक को हम नहीं ले सकते हमें कई लोगों की जजमेंट्स को लेना पड़ेगा द ओपिनियन दैट मेक्स अ बुक ग्रेट मास्टी दी ओपिनियन ऑफ मैनी फॉर इवन द ग्रेटेस्ट क्रिटिक्स आर एप टू हैव सर्टन डलनेसेस सर्टन इनअप्रिसिएशंस अब वो कहते हैं एक क्रिटिक की जो बात है एक क्रिटिक का जो ओपिनियन है वो डल हो सकता है उसमें कोई कमियां हो सकती हैं इन एप्रिसिएशंस इन-अप्रोप्रिएट हो सकती है पूरी तरह से सही बैठे किसी पैमाने पर ज़रूरी नहीं है चाहे वो क्रिटिक कितना भी बड़ा हो अब मान लीजिए इंग्लिश में हम मानते हैं शेक्सपियर बहुत बड़ा राइटर है लेकिन उसके भी क्रिटिक्स हैं उसको भी लोग डिसलाइक करते हैं या मान लीजिए हम कहते हैं कि महात्मा गांधी जो है हमारे राष्ट्र के सबसे बड़े लीडर हैं या राष्ट्रपिता हैं लेकिन उनके भी क्रिटिक्स हैं तो कोई भी एक तथ्य जो है कोई भी एक वर्क जो है बुक है पर्सनालिटी है उसके कई तरह के क्रिटिक्स हैं तो एक क्रिटिक की बात को हम पूरा परफेक्ट नहीं मान सकते अब इस लाइन को हम कैसे लेंगे इस लाइन को हम शॉर्ट में लेंगे कि वन क्रिटिक इज़ नॉट इनाफ सो वी हैव टू कंसिडर मैनी क्रिटिक्स वी हैव टू कंसिडर द जजमेंट ऑफ मेनी क्रिटिक्स नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आ जाता है कार्लाइल फॉर एग्जाम्पल अब हमें पता है कि एग्जाम्पल जो है वो सपोर्ट करने के लिए दिए हुए कार्लाइल बायरन ब्राउनिंग अब ये आपको समझ नहीं आए तो भी कोई बात नहीं आप इसके बिना भी काम चला सकते आपको नहीं पता कार्लाइल कौन है ठीक है थॉमस कार्लाइल एक बहुत फेमस क्रिटिक हुआ है और रॉबर्ट uh, ब्राउनिंग एक बहुत फेमस पोइट है बायरन लॉर्ड बायरन भी फेमस पोइट है पर हम मानते हैं कि हमें नहीं पता तो कोई बात नहीं क्योंकि ये एग्जाम्पल है वी कैन ईजिली लीव आउट दिस पार्ट एंड ईजिली मेक अप अ प्रेसी विच इज़ एज इफेक्टिव एज इट शुड बी सो वी लीव आउट कार्लाइल फॉर एग्जाम्पल से लेके इंग्लिश के पोएट्स तक क्योंकि वो एग्जाम्पल है तो हमारी प्रेसी राइटिंग में उसकी ज्यादा वैल्यू नहीं है अ मैन मस्ट बी मेनी साइडेड टू अटर अ ट्रस्ट वर एस्टिमेट ऑफ मेनी बुक्स वी मेड डाउट द जजमेंट ऑफ सिंगल क्रिटिक बट देर इज नो डाउट पॉसिबल इन रिगार्ड टू जजमेंट ऑफ जनरेशन अब ये दो लाइनों की हम एक लाइन बना सकते हैं वो कहता है कि हम एक सिंगल क्रिटिक की जजमेंट को तो डाउट कर सकते हैं पर जो जजमेंट जेनरेशन्स से चली आ रही है उसको हम डाउट नहीं कर सकते मान लो अब से कई जनरेशन्स के लोग जो कह रहे हैं कि हिटलर बुरा था तो फिर हिटलर बुरा था हम मान लेते हैं मान लो बहुत सारी जनरेशन्स के लोग कह रहे हैं कि शेक्सपियर ने बहुत सुंदर कविताएं लिखी तो फिर हम मान लेते हैं क्योंकि वो एक क्रिटिक का जजमेंट नहीं था अब हमने क्या किया देखिए प्रेसी में हमने ये किया एग्जाम्पल को पूरी तरह छोड़ दिया मेन थीम लाइन हमें स्टार्टिंग में ही पता लग गई कि फर्स्ट लाइन जो है उसकी वो इसकी थीम लाइन है क्यों क्योंकि वो ये बता रही है व्हाट इज द टेस्ट ऑफ अ ग्रेट बुक ठीक है फर्स्ट लाइन स्टार्ट कहाँ से होती है द टेस्ट ऑफ अ ग्रेट बुक इज वेदर वी वांट टू रीड इट वंस और मोर देन वंस नाउ दिस इज द मेन लाइन कंसर्निंग द होल टॉपिक तो बात यही क्लियर हो जाती है कि हमें स्टार्टिंग की लाइन से थीम को ले कर चलना है एग्जाम्पल्स को डिलीट करना है और उसके बाद जितनी रेपिटिशन्स आती जाती हैं उनको छोड़ते जाना है और अपने वर्ड्स में हमको एक बहुत ही कॉम्पैक्ट सा जैसे मैंने आपको बोला आप वीडियो बनाते हैं आपका वीडियो बड़ा बन गया है मान लीजिए आपका वीडियो जो है सिक्सटी एम का बन गया है लेकिन आप तो सिर्फ व्हाट्सएप पे टेन एम का शेयर करना चाहते हैं तो आप उसको क्या करेंगे कंप्रेस कर देंगे उसकी उसके कंटेंट को कहीं मिस आउट नहीं होने देंगे उसको कंप्रेस कर देंगे ताकि पूरी बात भी आ जाए जिस्ट कहते हैं जो एक निचोड़ होता है किसी बात का हम कई बार फ्रेंड्स में बैठ के ऐसी बात बोल देते हैं कि यार इतनी बड़ी कहानी क्यों सुनाई उसका निचोड़ बता देता दैट इज द जिस्ट अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि मैम जिस्ट क्या होता है जिस्ट होता है कि पूरी इतनी बड़ी जो हमने राइटिंग दी है आपको पैसेज दिया है उसका निचोड़ क्या निकला अब देखिए इसमें मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि मेन पॉइंट्स जो मैं आप बता चुकी हूँ मेन पॉइंट्स देखिए तीन ही निकल के आए हैं द ग्रेटनेस ऑफ अ बुक कैन बी जज बाय द रीडर्स डिज़ायर रीडर्स उसको एक से ज़्यादा बार पढ़ना चाहते हैं इससे जो है बुक की ग्रेटनेस का या उसके टेस्ट का टेस्ट होता है दूसरा कि इंडिविजुअल जजमेंट अबाउट द बुक इज़ नॉट रिलायबल रिलायबल मतलब डिपेंडेबल नहीं है एक इंडिविजुअल एक क्रिटिक एक स्पीकर अगर किसी बुक पे कुछ कह रहा है तो उसको हम पूरा रिलायबल सोर्स नहीं मान सकते उस पर डिपेंड नहीं कर सकते तीसरा पॉइंट जजमेंट्स ऑफ मेनी क्रिटिक्स कैन गिव अ करेक्ट एस्टिमेट इतने बड़े पैसेज में से मेन तीन पॉइंट्स निकल के आए हैं आई होप यू अग्री विद मी क्योंकि ये प्रेसी मैं कहीं से कॉपी नहीं कर रही हूँ ये मैं मेरा अटेम्प्ट कर रही हूँ कॉपी करने के लिए आपके पास बहुत सारी बुक्स हो सकती हैं कंटेंट हो सकता है बट बिकॉज ये हमने अभी ऐसे पढ़ा उस ऐसे में से मेन पॉइंट्स तीन निकल के आए हैं अब हम देखेंगे कि हमने उसकी क्या प्रेसी बनाई आप देखिए मैंने दो प्रेसीज़ बनाने की कोशिश की है ताकि आप ऐसा नहीं समझे कि एक ही तरह की लैंग्वेज आ सकती है या एक ही तरह की प्रेसी बन सकती है इसमें भैया एक तरफ लाइट ज्यादा पड़ रही है तो वो वाइट दिख नहीं रहा हेलो लाइट ज्यादा पड़ रही है उधर उधर लाइट ज्यादा पड़ रही है नाउ द फर्स्ट प्रेसी दैट आई इज़ द ग्रेटनेस ऑफ अ बुक अब देखिए वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट हियर इज़ वॉट इज टेस्टेड मैं पहले आपको ये बता दूँ कि प्रेसी में टेस्ट क्या हो रहा है टेस्ट ये हो रहा है कि क्या आप पूरे पैसेज को समझे हैं नंबर वन नंबर टू क्या आप पैसेज का निचोड़ निकाल सकते हैं नंबर थ्री क्या आप अपने वर्ड्स में अच्छा एक राइटअप बना सकते हैं तीन ही बातें जज होती हैं तो पहली बात रीडिंग आपकी कैसी है कितना समझ आता है दूसरी बात आप उसको कॉन्डेंसेशन आप उसको कंप्रेस कैसे करते हैं आप उसका निचोड़ कैसे निकालते हैं आपने कुछ छोड़ तो नहीं दिया तीसरी बात आपकी राइटिंग स्किल कैसी है तो इसमें दो स्किल्स यूज हो रही हैं रीडिंग और राइटिंग अब मैंने जो फर्स्ट प्रेसी अटेम्प्ट की है वो ये कहती है द ग्रेटनेस ऑफ अ बुक कैन बी जज्ड

हिंदी uh, में उसको कुछ कहते हैं कि आपके अपने प्री कंसीव नोशन हैं आपने पहले से जो मान्यताएं हैं आपकी तो कोई क्रिटिक एक अगर कुछ बोलता है बुक के बारे में मान लो किसी को रिलीजन नहीं पसंद तो वो रिलीजन रिलीजियस बुक की कभी भी तारीफ नहीं करेगा वो कहेगा बहुत हाँ पूर्व आग्रह है ठीक है आपकी हिंदी अच्छी है पूर्वाग्रह होते हैं तो इसलिए एक क्रिटिक की बात कभी नहीं मानी जाती द जजमेंट ऑफ मैनी क्रिटिक्स कैन गिव अ करेक्ट एस्टिमेट ऑफ द बुक तो बातें वही तीन मेन पॉइंट्स आए पहली बात कि टेस्ट ऑफ द ग्रेट बुक ये है कि आप उसको मोर देन वंस पढ़ते हैं दूसरी बात कि उसमें न्यू ब्यूटीज और मीनिंग निकल के आते हैं तीसरी बात एस्टिमेट ऑफ सिंगल राइटर जो है वो नहीं मान्य होता और चौथी बात कि बहुत सारे क्रिटिक्स की जो रिव्यूज uh, होती हैं या क्रिटिक होता है वो करेक्ट एस्टिमेट देता है बुक का तो हमने चार बातों में इतने बड़े पैसेज को और हमने इसको 58 वर्ड्स में जबकि वो पैसेज था हमारा 176 वर्ड्स का तो 58 वर्ड्स में हमने इसको कंसाइज कर दिया है और टाइटल दिया है टेस्ट ऑफ अ ग्रेट बुक और ये टाइटल आप देखिए बहुत इजीली आपको फर्स्ट लाइन में ही मिल गया था अब देखिए इसमें सेकंड अटेम्प्ट आप कभी भी ये मत सोचिए कि जैसा मैंने लिखा वो ठीक है या जैसा बुक्स में दिया हुआ है वो ठीक है या जैसा किसी ट्यूटोरियल पे पढ़ाते हैं वो ठीक है नहीं इसके कितने भी इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं सेकेंड इंटरप्रिटेशन देखिए द टेस्ट ऑफ अ ग्रेट बुक इज दैट इट कैन बी रेड रिपीटेडलीच टाइम विद न्यू मीनिंग्स एंड न्यू ब्यूटीज अब ये मैंने अपनी वर्ड्स में ही लिखा है लेकिन दोबारा अलग तरीके से री राइट करके लिखा है कहीं से कॉपी नहीं किया ये बताने के लिए कि आप अपने वर्ड्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेके कितने भी स्टाइल्स में लिख सकते हैं वी कैनॉट रिलाय रिलाई मतलब डिपेंड आप किसी भी एक पॉइंट एक क्रिटिक पे डिपेंड नहीं कर सकते वी cannot रिलाई ऑन अ सिंगल क्रिटिक फॉर द जजमेंट ऑफ इट्स क्वालिटी बिकॉज इट मे बी फॉल्टी फॉल्टी मतलब गलत हो सकती है वो जजमेंट wrong हो सकती है बट अ generation ऑफ क्रिटिक्स कैन प्रोवाइड अ trustworthy estimate of ऑफ अ बुक नाउ दिस इज इन words and वर्ड्स एंड द टाइटल इज अ ग्रेट बुक तो ये एक सेकेंड अटेम्प्ट था मेरा इन माई ओन वर्ड्स कि कैसे इसको किया अब बात आती है कि वॉट इज अ गुड प्रेसी व्हाट इज एन इफेक्टिव प्रेसी व्हाट इज अ हाई स्कोरिंग प्रेसी बिकॉज हम सबका टारगेट क्या है टू गेट मार्क्स वी आर नॉट हेयर फॉर एंटरटेनमेंट हम अपने को एंटरटेन करने के लिए नहीं है वी वॉन्ट टू अर्न मार्क्स वी वॉन्ट टू स्कोर गुड मार्क्स सो वॉट इज एन इफेक्टिव प्रेसी पहली बात क्लियर होनी चाहिए क्लैरिटी इज नंबर one when इट कम्स टू राइटिंग एंड स्पीकिंग अनलेस and until यू आर क्लियर इन saying what यू want टू से आपका जो purpose है वो सॉल्व नहीं होगा आपकी फर्स्ट लाइन क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए और थीम को एक्सप्रेस करती हुई होनी चाहिए secondly कंसाइज ऑफ course इट शुड बी one third ऐसा नहीं हो 200 हंड्रेड वर्ड्स की प्रेसी दी हुई है और आप 100 वर्ड्स की प्रेसी लिख दें नो no. प्रेसी इज ऑलवेज वन थर्ड ऑफ वॉट इज गिवन इन द पैराग्राफ पैसेज मेंटेनिंग द टोन मूड एंड द मेन आइडिया मेन आइडिया आपका बरकरार रहना चाहिए यू शुड बी एबल टू मेंटेन द आइडिया आप मेरी बात सुन लीजिए बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं है आप मानिए मैं एक लॉन में खड़ी हूँ और पीछे पेड़ ही पेड़ें ठीक है तो जो मैं कह रही हूँ दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन वॉट इज रिटन ऑन द बोर्ड बिकॉज बिकॉज व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इज कि प्रेसी का कॉन्टेंट अभी इम्पोर्टेंट नहीं है उसको करना कैसे है ये इम्पोर्टेंट है तो प्रेसी में जब हम लिखते हैं क्लैरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है मेन आइडिया आपका आना चाहिए और जो प्रेसी का जो मूड और टोन चल रहा है मान लीजिए बहुत सीरियस सब्जेक्ट चल रहा है और आप उसको नॉन सीरियस टोन नहीं दे सकते आप उसको बहुत हंसी मजाक में लाइटली नहीं लेके जा सकते आपको उसका मूड और टोन जो है वो सेम पिक करके उस प्रेसी में शो करना पड़ेगा उसके बाद बहुत लॉजिकल होनी चाहिए ऐसा नहीं कि आपने लास्ट का पॉइंट पहले ले लिया और कुछ भी कहीं भी आप कह रहे हैं बीच में से पहले पॉइंट उठा लिया इंट्रोडक्शन को आप लास्ट में लेंगे नो इट शुड बी लॉजिकली अरेंज्ड इट शुड बी इन अ लॉजिकल रैशनल मैनर सो दैट इट लुक्स गुड जैसे पैसेज जा रहा था वैसे ही प्रेसी जानी चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट बात सिंपल लिखिए अच्छा लिखिए करेक्ट लिखिए करेक्ट ग्रामर करेक्ट लैंग्वेज इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन गुड इंग्लिश डोंट ट्राई टू राइट वेरी गुड एंड हाई साउंडिंग वर्ड्स कि मुझे तो ये वो कैबलरी आती है नो नीड योर लैंग्वेज शुड बी करेक्ट बट सिंपल अब प्रेसी में कुछ भी सही या गलत नहीं होता प्रेसी प्रेसी होती है आपको वर्ड लिमिट फॉलो करनी है इट इज़ आइदर इफेक्टिव और इट इज़ लेस इफेक्टिव मार्क्स किस आधार पर मिलते हैं कि आपने पैसेज का क्रक्स या जिस्ट जो है वो कितनी अच्छी तरह से एक्सप्रेस किया है कितना अच्छा आप उसको शॉर्ट में अपने वर्ड्स में देखिए इसमें दो बातें हैं मैं आपकी डाउट्स लूँगी अभी इसमें क्या होता है कि कई बार हम अपनी लैंग्वेज नहीं लिख पाते हैं वी आर नॉट वेरी कम्फर्टेबल विद राइटिंग स्किल्स तो ठीक है आप टू सम यू कैन अप सेंटेंसेस फ्रॉम द ओरिजिनल पैसेज आल्सो। जहाँ पे आपको लगता है कि आप अपना सेंटेंस करेक्ट नहीं बना पाएंगे तो आप ओरिजिनल पैसेज से भी सेंटेंस ले लीजिए लेकिन आपको उसको बड़ा लॉजिकली अरेंज करना है ऐसे नहीं कि इतना लंबा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस था तीन लाइनों में जा रहा था ऐसे का ऐसे उठा के प्रेसी में डाल दिया उससे फिर क्या होता है कि आपका जो इफ़ेक्टिवनेस है आपके जो मार्क्स हैं वो कम मिलते हैं क्योंकि उनको ये समझ आ जाती है कि आपको पॉइंट तो मिल गया लेकिन आप अपने वर्ड्स में नहीं बना पा रहे हैं तो ये था हमारा प्रेसी का अटैम्प्ट क्यों हम प्रेसी में डरते हैं ऐसा कुछ नहीं होता अब मैं आपके क्वेश्चंस, आपके डाउट्स ले लेती हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स uh, ये पूछ रहे हैं कि लैंग्वेज अगर थोड़ी सी डिफ़िकल्ट आ जाती है या टिपिकल आ जाती है देखिए इन एवरी क्वेश्चन अनसीन पैसेज प्रेसी एक या दो वर्ड्स ऐसे हो सकते हैं जो आपको नहीं आते हों तो कोई बात नहीं ओवरऑल सेंटेंस को रीड करके उसके स्ट्रक्चर को देख के ओवरऑल थीम को स्टडी करके आप उस वर्ड का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो क्या कह रहा है और अगर आपको उसका मीनिंग नहीं मालूम है तो आप उसको मत लिखिए लेकिन गलत यूसेज मत करिए बहुत डिफिकल्ट प्रेसी नहीं आती आपके एग्ज़ाम में मैंने आपके प्रीवियस पेपर्स देखे थे बहुत कंफर्टेबल और फेमिलियर टॉपिक्स आते फेमिलियर जैसे मैंने आपको बुक्स का टॉपिक बताया इसी तरह से कुछ एजुकेशन पे कुछ पोल्यूशन पे कुछ रिलिजन पे कुछ लाइट सी फिलोसफी पे कुछ वैल्यू सिस्टम पे कुछ हमारी कंट्री पे कुछ हमारे जो ग्रेट लीडर्स हैं फिलोसफर्स हैं स्वामी विवेकानंद हैं या अम्बेडकर हैं इस तरह से उनसे रिलेटेड कुछ कुछ बातों के ऊपर जो है पैसेजेस आ जाते हैं और आजकल जो करंट टॉपिक्स हैं जिसमें कोविड हो गया पल्यूशन हो गया ग्लोबल वार्मिंग होगी क्लाइमेटिक चेंज हो गया ये टॉपिक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं ठीक है अब क्वेश्चन ये है द टाइटल शुड बी येस द टाइटल टू बी गिवन शुड बी ऑन द टॉप येस मैंने नीचे इसलिए दिया था क्योंकि पहले मैं आपके साथ प्रेसी ही डिस्कस करना चाहती थी क्योंकि टाइटल तो आप कहीं से भी पिक करके दे देंगे अगर आपको थीम समझ आ गया है तो टाइटल देना कोई मुश्किल बात नहीं है तो टाइटल शुड बी ऑन द टॉप ऑफ द प्रेसी दैट यू आर राइटिंग इट शुड बी नीटली रिटन टाइटल लिखने के बाद उसको अंडरलाइन करिए उसके बाद एक लाइन छोड़िए और फिर प्रेसी को स्टार्ट करिए Now your questions are invited. I welcome if you have any doubts. Otherwise, then I'll give you two more tips in the end. What to do next? So let me have your questions on pressy writing. Basically, it is a test of your reading and writing skill. If you are good at reading, you can do the pressy If you are good at writing, you can do it in your own words. क्या टाइटल नेगेटिव और क्वेश्चन के रूप में हो सकता है हो सकता है पर नहीं होना चाहिए क्वेश्चन का मतलब क्या होता है What is a question? क्वेश्चन का मतलब क्या होता है क्वेश्चन मार्क इट सेल्फ मीन्स के आपको डाउट है आप किसी और से कुछ पूछना चाहते हैं अब यहाँ पे आप क्योंकि एग्जाम दे रहे हैं आप कैंडिडेट हैं आप ये नहीं बताएंगे कि आपको डाउट है और क्वेश्चन एक कोई शोकेस, शोपीस नहीं है कि आप उसको बहुत सुंदर मान के और लिखते हैं ट्राई टू गिव अ पॉजिटिव इवन इफ इट इज़ अबाउट दी हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन तो आप हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन लिख सकते हैं हम इसको नेगेटिव नहीं बोलते हम इसको यहां पे देखिए जजमेंटल नहीं होना यह बात मैंने स्टार्टिंग में आपको बोली थी डू नॉट बी जजमेंटल कि ये अच्छा होता है बुरा होता है जो दिया हुआ है पैसेज में उसका थीम लेके स्टडी करके उसका टाइटल देना है डू नॉट राइट अ क्वेश्चन इन द टाइटल राइट द मेन थीमैटिक टाइटल मैम वी कैन क्रॉस लिमिट इन प्रेसिमीन यस सी वन थर्ड मीन्स वन थर्ड अब मान लीजिए वन फिफ्टी वर्ड्स हैं तो उसका आपको फिफ्टी करना है तो यस आप फोर्टी एट फोर्टी फाइव फिफ्टी फाइव तक जा सकते हैं फिफ्टी सेवन तक भी जा सकते हैं क्युं? क्यों क्योंकि आप जो है जब आप सेंटेंसेस बनाएंगे उसमें प्रपोजिशन भी आएंगे आर्टिकल्स भी आएंगे तो ऐसा नहीं है कि आप उसको 50 वर्ड्स करने के लिए द मिस कर देंगे ऑफ मिस कर देंगे या सेंटेंस इनकम्प्लीट छोड़ देंगे नहीं आप वर्ड लिमिट टेन वर्ड्स तक क्रॉस कर सकते हैं अगर वन एटी वर्ड्स का प्रेसी है तो आप सिक्सटी का लिखेंगे सिक्सटी की जगह आप फिफ्टी फाइव का भी लिख सकते हैं सिक्सटी फाइव सेवेंटी तक का भी लिख सकते हैं लेकिन उसको वन थर्ड मतलब उसको हाफ नहीं होने देना टू हंड्रेड वर्ड्स को हंड्रेड नहीं करना ठीक है तो वन एटी वर्ड्स को सिक्सटी करना सेवेंटी करना लेकिन हंड्रेड नहीं करना नेक्स्ट क्वेश्चन इज

जैसे बुक गुड और बैड क्या पैसेज का टाइटल हो सकता है देखिए गुड और बैड इन्होंने बैड बुक की बात नहीं करी तो हम क्यों करें बैड वर्ड ही नहीं आया आप नोटिस करिएगा मैंने एक बार भी बैड वर्ड नहीं यूज किया मान लीजिए आप सिर्फ मुझे सुन रहे हैं कुछ पढ़ नहीं रहे हैं बैड वर्ड नहीं आया तो आप क्यों यूज करेंगे ना ठीक है आप तो अ गुड बुक हाँ यहां पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं व्हाट इज अ गुड बुक बट बेटर होगा क्वेश्चन ना करें आप बोले टेस्ट ऑफ अ ग्रेट बुक और अ ग्रेट बुक अ गुड बुक क्वेश्चन तब करिए जब आपको लगता है बहुत ही जरूरी है ये तो क्वेश्चन ही बनना चाहिए टाइटल तब क्वेश्चन करिए अब बैड वर्ड का कहीं इसमें मेंशन नहीं था सो यू डोंट हैव टू यूज नेगेटिव वर्ड्स ऑन योर ओन डू नॉट बी जजमेंटल राइट Orbataye, what else? Then I'll come to, I'll conclude my lecture with two tips for good writing and reading. You can ask more questions, please. Okay. लेट्स प्रोसीड सो yesterday's लेक्चर वी कंक्लूडेड ऑन वन emphatic पॉइंट एक पॉइंट में मैंने बहुत emphasize किया था कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने का एक्वायर करने का important स्किल होता है लिसनिंग ये बात आप सबको अगर याद हो तो आई want टू नो इन द comment बॉक्स हाउ many ऑफ यू listened टू इंग्लिश टुडे हाउ मेनी ऑफ यू लिसन टू समिंग इन इंग्लिश टूडे कुछ ना कुछ सुना हो आप मुझे कॉमेंट करके बताएंगे कि यस आई डेड फॉर फाइव मिनट्स टेन मिनट्स फिफ्टीन मिनट्स वन स्पीच जो भी अब देखिए मैम कैन वी राइट प्रेसी इन आर ओन लैंग्वेज और ओन वर्ड्स डिफरेंट प्रफ यस यू शुड राइट प्रेसी इन योर ओन वर्ड्स लेकिन आपकी ग्रामर और लैंग्वेज करेक्ट होनी चाहिए सिंपल होनी चाहिए बिल्कुल ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपको uh, अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहिए इन एग्ज़ाम टाइम इज़ वेरी शॉर्ट देर इज़ नो टाइम फॉर थ्रू नहीं आपको टू थ्री टाइम्स प्रेसी नहीं पढ़नी है आपको वन क्लोज रीडिंग में ही आपको फर्स्ट टू लाइंस में ही थीम पता लग जाना चाहिए और फर्स्ट रीडिंग में ही मार्क करते जाइए क्या आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है और कट करते जाइए एक्सपंज करते जाइए छोड़ते जाइए जो एग्जाम्पल्स हैं रेपिटिशन हैं जो आपको काटना है वन क्लोज रीडिंग ऑफ अ प्रेसी पैसेज इज इनफ़ वेरी गुड एम प्राउड थर्टी मिनट्स एस पी चलिया कहते हैं आई वॉचड इंग्लिश न्यूज़ फॉर थर्टी मिनट्स देन वी हैव नीरज फॉर फिफ्टी मिनट्स वेरी गुड कीप इट अप अब देखिए देखिए जो टाइम की शॉर्टेज आपको एग्ज़ाम में लगती है वो एक ही रीज़न है कि आपकी रीडिंग प्रैक्टिस नहीं है और आप रीडिंग के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं अब मैं आपको दो टिप्स बताऊंगी उसके सल्यूशन के लिए ठीक है आप हर रोज़ कोई भी टाइम अपना फ़िक्स कर लीजिए कोई भी टाइम फिक्स नहीं भी करते हैं तो कोई भी टाइम निकाल लीजिए अपने वर्क आवर्स में या वर्क आवर्स के अलावा जैसे मैं तो मेरा सारा इंग्लिश का जो काम है वो वर्क आवर्स में ही करती हूँ आप अपना फ़ोन अगर यूज़ करते हैं उसमें सब कुछ इंग्लिश में करें मैसेजिंग इंग्लिश में करें उसमें जो आपकी गूगल uh, न्यूज़ है या शॉर्ट्स हैं या कोई हेडलाइंस हैं हर रोज एक स्मॉल पैसेज पढ़ें अब कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं बीबीसी वेरी गुड प्राउड ऑफ यू मुकुट मुकुट बिहारी शर्मा बीबीसी इज़ अ वेरी ग्रेट चैनल यू शुड कंटिन्यू वाचिंग इट तो मैं ये बता रही थी कि मोबाइल पे जब भी आप यूज़ करते हैं तो रोज़ एक छोटा आर्टिकल या न्यूज़ आइटम ज़रूर पढ़ें जो आपके इंटरेस्ट की हो नंबर वन नंबर टू जो कैंडिडेट्स जो स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हमें इंग्लिश बिल्कुल समझ में नहीं आती हमें इंग्लिश बहुत हाई लेवल की लगती है तो आप किसी भी स्कूल की क्लास फिफ्थ सिक्स या सेवेंथ की इंग्लिश की बुक्स ले लीजिए किसी भी अपने फैमिली के बच्चे से या पड़ोस से या मार्केट से क्लास फिफ्थ सिक्स सेवेंथ इंग्लिश की बुक्स ले लीजिए और उसमें जो स्टोरीज़ होती हैं या एसेज होती हैं उनको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए अब कितना पढ़ना है रोज़ का एक अब रोज़ का एक जब पढ़ेंगे तो आज से आज जो डेट है वो है सेवेंथ ऑफ जैन आज से वन वीक के बाद फोर्टीन जैन को आप मुझे रिपोर्ट करेंगे कि आपने सेवन डेज़ में सेवन स्टोरीज पढ़ी तो क्या आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ी इंक्रीज़ हुई या नहीं हुई तो रोज़ की एक स्टोरी या एक ऐसे या जिनको इंग्लिश थोड़ी सी आती है वो अपने मोबाइल के ऊपर रोज़ का एक न्यूज़ आर्टिकल या अपनी पसंद का कोई आर्टिकल अपनी चॉइस की कोई स्टोरी कुछ भी एनी थिंग दैट यू लाइक कोई बॉलीवुड न्यूज़ भी हो सकती है कोई आपके टेस्ट के जोक्स भी हो सकते हैं कोई व्हाट्सएप पे जो आपके आती हैं पोस्ट उसमें स्टोरीज आती हैं हर रोज़ अगर आप एक स्टोरी पढ़ेंगे अब जो स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर पढ़ते हैं द हिंदू पढ़ते हैं या जब टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं उसमें आपको न्यूज़ तो आप पढ़ते ही पढ़ते हैं लेकिन न्यूज़ के अलावा एक आर्टिकल पढ़ना है अब ये जो आर्टिकल पढ़ेंगे आप उस आर्टिकल के आप टाइटल को और थीम को नोट करेंगे ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जैसे नीरज शर्मा है ये न्यूज़पेपर पढ़ते हैं इट्स वेरी गुड आप टीवी भी देख रहे हैं न्यूज़ भी देख रहे हैं न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं दिस इज आइडियल प्रेपरेशन व्हाट आई एम सजेस्टिंग इज रीड नॉट ओनली द न्यूज़ बट ऑल्सो द आर्टिकल्स इन द न्यूज़ पेपर अब आर्टिकल्स में एडिटोरियल पढ़ सकते हैं या जो और आर्टिकल्स आते हैं किसी और टॉपिक पे मान लीजिए आजकल कोविड पे आ रहे हैं या किसी फेस्टिवल पे आते हैं आप क्रिसमस गया अभी न्यू ईयर आया अभी लोहड़ी पे आएगा तो कोई आर्टिकल पढ़िए और उसको एक या दो लाइंस में उसका थीम लिखिए और ऐसी एक डायरी बना लीजिए सेवेंथ ऑफ जैन से लेके फोर्टीनथ ऑफ जैन तक आप सबकी रीडिंग स्किल में ये एक हैबिट डिवेलप कर लीजिए कि आपको आपके इंग्लिश के लेवल के हिसाब से अगर आपका लेवल अच्छा है तो न्यूज़पेपर से ले लीजिए आर्टिकल अगर आपका लेवल अभी थोड़ा सा लो है तो किसी भी स्कूल की क्लास फिफ्थ सिक्स सेवन्थ की इंग्लिश की बुक लेके एक स्टोरी या एक ऐसे पढ़ के उसका टाइटल और उसका थीम लिख लीजिए और इसको आप इसको आप एक डायरी बना लीजिए तो वन वीक की क्लोज रीडिंग के बाद आप मुझे रिपोर्ट करेंगे कि आपने कितना और क्या पढ़ा मैम यू के लिए इंग्लिश कितनी आनी चाहिए मुझे लगता है मुझे भी नहीं आती आप मुझे बताइए कितनी आनी चाहिए मैं और सीख लेती हूँ देर इज़ नो लिमिट टू लर्निंग अ लैंग्वेज देर इज़ नो लिमिट देखिए मैं आपको बताती हूँ कोई भी एग्ज़ाम आपको देना है कोई भी एग्ज़ाम अटैम्प्ट करना है चाहे वो यू है चाहे वो आर है चाहे वो आर है चाहे वो एस है किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए विद करेक्ट ग्रामर सिंपल वर्ड्स शॉर्ट सेंटेंसेस करेक्ट ग्रामर ये मेरा टिप नंबर टू है जो राइटिंग से कंसर्नड है आपकी राइटिंग कभी भी डिफिकल्ट नहीं होनी चाहिए लॉन्ग नहीं होनी चाहिए टफ नहीं होनी चाहिए बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए शॉर्ट सेंटेंसेस होने चाहिए क्यों क्योंकि उसमें कभी मिस्टेक्स नहीं होती आई एम अ राइटर आई हैव रिटन अ नावल आई हैव रिटन पोएम्स आई आई एम एन एडिटर आल्सो मैं बुक्स भी एडिट करती हूँ मैं आर्टिकल्स भी लिखती हूँ मैं क्रिटिक भी हूँ लेकिन लॉन्ग सेंटेंसेस जब मैं भी लिखती हूँ तो उसमें मिस्टेक्स आ जाती हैं

कहाँ से आपने वो स्टोरी ली और उसका एक या दो लाइन में आप थीम लिखेंगे तो ये आपका होमवर्क है और आप मेरे को फोटीन ऑफ जान को ये अपडेट देंगे कि आपने कितना कहाँ से पढ़ा वन वीक में आपकी रीडिंग स्किल्स इम्प्रूव हो जाएंगी और उसके बाद अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको लगेगा फोर्टी फाइव डेज बहुत ज़्यादा ठीक है।, है और सेकेंड टिप जो मेरी है राइटिंग आपकी अभी जैसी भी है कीप इट वेरी सिंपल वेरी शॉर्ट बट ग्रामेटिकली करेक्ट तो जब मैं राइटिंग स्किल्स पे आऊँगी पैराग्राफ पे लेटर पे तब मैं आपको बताऊंगी कि राइटिंग स्किल्स में किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए तो अभी मैंने आपको होम असाइनमेंट दिया है फॉर सेवन डेज़ आपको लिसनिंग कंटिन्यू करनी है लिसनिंग कंटिन्यू करने का मतलब ये है कि अगर आप अभी पाँच मिनट सुनते हैं तो आप उसको टेन मिनट्स कर दीजिए अगर अभी टेन मिनट्स सुन रहे हैं तो आप उसको ट्वेंटी कर दीजिए और अगर आप ट्वेंटी मिनट्स सुन रहे हैं तो उसको बैकग्राउंड में आप लगे रहने दीजिए कोई भी आपकी स्पीचेस हैं यूट्यूब पे कोई कॉमेडी है आप फ्री टाइम में उसको चलते रहने दीजिए सो दैट योर ब्रेन गेट्स दैट डेटा एंड फीड्स इट इनसाइड योर स्टोरेज साइड बाय साइड आप कुछ काम भी कर रहे हैं तो इंग्लिश साथ साथ चल रही है जब आपकी ये स्टेज आ जाएगी देन यू वोंट हैव अ प्रॉब्लम लिसनिंग टू मी लिसनिंग टू समबडी एल्स स्पीकिंग इन इंग्लिश और इवन यू विल स्टार्ट स्पीकिंग योर सेल्फ तो ये दो मेन टिप्स हैं मेरी प्रेसी राइटिंग आपको प्रैक्टिस से आएगी इसकी आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है पहले आप दो दिन तक सिर्फ किसी बुक से रीड करिए कि प्रेसी को कैसे किया जाता है पैसेज रीड करिए प्रेसी रीड करिए फिर पैसेज रीड करिए प्रेसी रीड करिए फिर आप अपनी जो है रिटर्न प्रैक्टिस स्टार्ट करिए सो दिस वाज टू लेक्चर फ्रॉम माई साइड येस आई विल टेक अप ऑल द टॉपिक्स दैट यू नीड बट फर्स्ट लेट मी फिनिश द टॉपिक्स दैट हैव टू बी कवर्ड इन पार्ट बी एंड सी सो दैट हम सिर्फ इन टॉपिक्स पे ही ना रह जाएं और हम इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी को भी बढ़ाएं हम सिर्फ फेमिलियरिटी में नहीं रह जाएं इंग्लिश लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल भी हो जाएं तो अब आपको लिसनिंग के साथ साथ रीडिंग हैबिट भी डेवलप करनी है रीडिंग में आपको मुझे रिपोर्ट करना है आफ्टर सेवन डेज़ और एक डायरी बनानी है कि कौन सा आर्टिकल कौन सी स्टोरी कहाँ से रीड करी और इसका थीम लाइन क्या था सो थैंक यू फॉर बींग विद मी आई इन्जॉयड द ऑडियंस आपके कॉमेंट्स जो थे वो बहुत हेल्दी थे आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे आई विल ट्राई टू आंसर इन माई नेक्स्ट लेक्चर्स प्लीज़ कम अप विद मोर क्वेश्चन इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी टेकिंग अप अनसीन पैसेज किस तरह से उसको पढ़ना है लेकिन उससे पहले मैं ये चाहती हूँ कि आप अपनी रीडिंग हैबिट को डिवेलप करके आएँ नेक्स्ट टाइम मैं पैसेज को और क्लियर ब्लैक एंड बोल्ड करके लाऊंगी ताकि आपको बहुत अच्छे से विजिबल हो बट आई वॉन्ट बेटर रीडर्स आई डू नॉट वॉन्ट स्टूडेंट्स हु डू नॉट अंडरस्टैंड when वेन दे रीड आई वॉन्ट स्टूडेंट्स हु हैव डिवेलप दैबिट ऑफ रीडिंग चाहे वो रीडिंग आप नर्सरी केजी, फर्स्ट सेकंड क्लास की बुक से ही स्टार्ट कर दीजिए आई डोंट माइंड कुछ भी छोटा बड़ा नहीं है लैंग्वेज लैंग्वेज है और इंग्लिश एक बहुत ब्यूटिफुल लैंग्वेज है इफ़ यू लव द लैंग्वेज द लैंग्वेज विल लव यू सो थैंक्स बींग विद मी एंड वील मीट वेरी सुन बाय फॉर नाउ ऑल द बेस्ट टेक केयर